से स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं और उन्हें जीतना भी चाहिए था, और ये दिन एक दिन रायबरेली को भी देखने को मिलेंगे। स्मृति ईरानी जी ने मेहनत की है, उनका उनका प्रतिफल मिला है और वो जीत रही हैं। मैं भी 5 साल मेहनत करूंगा इस आशा विश्वास के साथ कि स्मृति ईरानी की भांति मुझे फिर से लोकसभा पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करें रायबरेली के लोग। राहुल की क्या कमी देखते हैं आप भी कांग्रेस में? राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, राहुल गांधी नेता है ही नहीं। कोई नेता किसी नेता के पेट से पैदा होने के कारण नेता हो नहीं सकता। उन्होंने राजनीति में अगर ABCD नीचे से सीखी होती, जैसे हम लोग छोटे छोटे चुनाव लड़कर के आज इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी छोटे छोटे चुनाव लड़कर के आज ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, हम भी नेता हैं। और निश्चित तौर से विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी नेता हो ही नहीं सकते। वो किसी राजा के पेट से पैदा हुए राजकुमार तो हो सकते हैं, लेकिन रायबरेली देश में वो नेता नहीं हो सकते, देश के नेता नहीं कहे जा सकते। अमेठी की जनता ने क्यों नकारा उनको? निश्चित तौर से मैंने कह दिया, नेता को स्वीकार करेंगे ना, अगर वो नेता होते तो अमेठी की जनता उन्हें स्वीकार करती। पिछली बार हमारा सहयोग था राहुल गांधी को, इसलिए वो सांसद बन गए थे। अब की हमारा सहयोग स्मृति ईरानी जी के साथ है, वो सांसद बनेगी। 5 लाख के पार का नारा जो है उस पर क्या? निश्चित तौर से प्रियंका गांधी से पूछिएगा, क्योंकि वो रायबरेली की धरती पर आकर के कह गई थी कि अब की 5वीं बार 5 लाख के पार। और निश्चित तौर से मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका गांधी 2.5 लाख से दिनेश सिंह से हार रही है। अगर उन्होंने 5 लाख का सपना देखा रहा होगा तो वो 2.5 लाख से हार रही हमसे। अब ये सवाल तो उनसे पूछने लायक है जो लोग नारा लगाते थे कि 5वीं बार 5 लाख के पार। लेकिन मुझे खुशी है, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि एक बार फिर से भारत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया, इसलिए देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। और रायबरेली के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे किसान कमजोर के बेटे जो सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़े थे, जिनका बहुत बड़ा कद था, उनके सामने हमारे कद को घटने नहीं दिया किसी रूप में। और पिछली बार सोनिया गांधी 4,15,000 से जीती थी, मतलब 3,53,000 से खुद जीती थी, और 62,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का था पिछली बार, जो इस बार उनको मिला है। इस हिसाब से 4,15,000 से सोनिया गांधी जीती थी, और इस बार अगर 1.5 लाख से जीतती हैं तो निश्चित तौर से 3.25 लाख से मैं सोनिया गांधी को हरा के मैं जा रहा हूँ, ये मुझे खुशी है। वैसे विधिक रूप से वो हमारी सांसद हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, वो सांसद हमारी हैं और रहेंगी। अब जब तक निर्वाचित हैं, भगवान उनको दीर्घायु दे और 5 साल तक हमारी सांसद रहेंगी। और मैं राजनीतिक किसान हूँ, अमित शाह का सिपाही हूँ, कल से फिर भारतीय जनता पार्टी का हल उठाऊंगा और रायबरेली में चलाऊंगा, फिर यही राजनीति की खेती करूंगा। निश्चित तौर से मुझे आशा है कि अगली बार ये फसल हमारी लहलाएगी जो आज हमने खेती की है।